वो गाड़ी रुकती है जहाँ भी मैं खड़ा हुआ वहाँ पे यही बोलते कौन सी भाई गाड़ी, यही बोलते कौन सी गाड़ी है। अभी माइलेज कितना दे रही है क्योंकि कंपनी तो 66 का क्लेम करती है। नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, पर कंट्रोलिंग तो ऐसी है भाई, क्या मजा आ गया। मेरी गाड़ी चल रही थी कम से कम 70 की स्पीड पे एकदम। ये गाड़ी देखो वैसे तो बहुत बढ़िया है, पर इसमें मुझे भी एक कमी सबसे बड़ी यही लगती है। हाय गाइस, मैं हूं जय चौधरी। आज की गाइस काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफी टाइम से यार मैं ये वीडियो बनाने के लिए वेट कर रहा था कि यार आपके लिए एक्सट्रीम 125 के ऊपर ओनर्स रिव्यू लेकर आए, क्योंकि अभी यूट्यूब पर ज्यादा वीडियो भी नहीं ओनर्स रिव्यू की, और गाड़ी की जो अपनी रियलिटी है ना वो तो अच्छे से ओनर ही अपने बताएंगे। बाइक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स अपने क्लियर होने वाले हैं। ओवरऑल 125 सीसी में आपके लिए बाइक किसी का चॉइस होने वाली है, सारी बात अपन करेंगे। तो फटाफट से गाइस अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, और गाइस हम उज्जैन से बिलोंग करते हैं। जय श्री महाकाल भाई हो, बाकी आप कैसे देख रहे हो ये बात कमेंट करके आप जरूर बताना। तो गाइस राकेश भैया बाइक के ओनर हैं, और बताओ भैया क्या मजे चल रहे हैं। जय महाकाल भाई। जय श्री महाकाल। आनंद मंगल सर। आनंद मंगल भैया। जैसा कि अपने को 1.5 महीना हो गया ना बाइक लिए को। हाँ सर 1.5 महीना हो गया। और आपने 1100 किलोमीटर से ऊपर चला ली इसको। हाँ 1166 किलोमीटर अपनी गाड़ी अभी तक चल गई है। तो आपको ये ऑन रोड कंप्लीट कितने की पड़ी थी? ये ऑन रोड 1.21 की पड़ी भैया। 1.21 की। और ये टॉप मॉडल ही अपना सिंगल चैनल एबीएस वाला। और जैसा कि आप बता रहे थे आपने ऑनलाइन बुक करी थी, तो फिर कितने दिन बाद मिल गई थी ये? 15 से 20 दिन में आ गई थी शोरूम पर। फिर मेरे को 3 दिन बाद बुलाया उनने, तो मैंने बोला तो शोरूम पे आएगी। 2 गाड़ी आई थी, एक मेरा दोस्त ने उठाई, एक मैंने उठाई थी। अच्छा, दोनों दोस्तों ने साथ में उठाई, साथ में बुक भी साथ में करी थी। अब भैया इतनी सारी बाइक्स आ जाती है 125 सीसी में, जैसे अगर स्पोर्ट्स सेगमेंट में अपन देखें तो रेडर 125, पल्सर, NS 125 इतनी सारी आ जाती है, फिर उन सबको छोड़ के आखिरकार अपना एक्सट्रीम पर कैसे मन बना? सर इसको मैंने देखी तो मेरे को इसका लुक ही अच्छा लगा, और मेरे को फिर दूसरी गाड़ी में मन ही नहीं करा इसको ही, मैंने यही गाड़ी लेंगे बाबा। लुक इतना शानदार लगा। और क्या ये बात, तो यार इसका लुक साफ देखो, स्पेशली ब्लैक कलर कितना जोरदार लगता है यार। 3 कलर निकाला पर मेरे को तो ब्लैक ही लगा था सही सर। मतलब आप इसको देखोगे ना तो देखकर लगेगा ही नहीं कि अपनी 125 सीसी की बाइक है, बस यहाँ पर अपनी बेजिंग दे रखी है 125 आर की, बाकी से देखकर लगता है कि हाँ ये अपनी 160। पहचानता ही नहीं सर कौन सी गाड़ी, जब गाड़ी रुकती है जहाँ भी मैं खड़ा हुआ वहाँ पे यही बोलते कौन सी भाई गाड़ी, यही बोलते कौन सी गाड़ी है। अभी फिर बाद में बताना पड़ता क्यों अभी गाड़ी उठी नहीं अब। हाँ, ज्यादा मार्केट में अभी धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे जहाँ खड़ी होती है वही बोलते भाई कौन सी गाड़ी। हाँ ये बात तो है, हमारे उज्जैन में भी अभी धीरे धीरे अच्छा मार्केट अपना कवर कर रही है। जैसी अपनी बाइक जा रही है धनाधन अपनी जाय जा रही है, अच्छे अपनी इसकी डिमांड बन रही है। और बाकी बाइक चलने में कैसी लगी? एक नंबर पिकअप देखो चला, एक नंबर कोई चला तो मजा आया उसको, ये चला रहे उसको भी मजा आ रहा है अभी तो। हाँ मजा भी है एक नंबर चलाने में, बैठक भी एक नंबर, कंट्रोल पीछे की भी कंफर्ट भी अच्छा है। और जैसे अभी आपने गाड़ी सोता कैसी भगाई क्या 100 की स्पीड में? हाँ 100 की स्पीड पर नॉर्मल, ये आपने सिटी में तो कोई चलाते नहीं, 2 बार इंदौर गया जब भी मैंने गाड़ी भगाई बस। हाँ उसके बाद तो 100 की स्पीड में इसमें वाइब्रेशन कैसे है गाड़ी में, इसमें हैंडल पे वाइब्रेशन आते हैं क्या? नहीं बढ़िया, रिफाइन नहीं होता, ऐसी चलती है चल रही है सर, स्मूथ चलती है, बिल्कुल मजा आता है। और चलो मजा तो चलाने में ही सही, और गाड़ी माइलेज कितना दे रही है क्योंकि कंपनी तो 66 का क्लेम करती है। नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, पर मतलब 60 के अंदर बाहर दे रही, 60 के ऊपर नीचे बस। हाँ नीचे ही दे रहे होगे 60, सिटी में मान के चलो कि 50-55 तो दे ही देती है, तो आराम से दे रही है बस। हाँ और हाईवे पर 60 भी दे देगी। बाकी आप इससे कह रहे कि जितनी भी अपनी गाड़ियां देखोगे लगभग उनका माइलेज भी अपना इतना ही रहता है। और ये बाइक की खास बात ये भी लगी कि इसका वेट अच्छा खासा है, 136 किलो की बाइक है, तो हाईवे पर आपकी स्टेबिलिटी कैसी लगी? गाड़ी ऐसी डोलती तो नहीं है? नहीं डोलती है, बिल्कुल स्मूथ चलती है, स्टेबल चलती है एक नंबर। ये बात मुझे इसकी सबसे अच्छी लगी ना, इसका वेट एकदम ज्यादा है ना एकदम कम है, एकदम हल्की फुल्की बाइक भी नहीं है। नहीं हल्की नहीं है, अगर रेडर वगैरह देखो टीवीएस की तो हल्की रहती, तो हाईवे पर आपको स्टेबिलिटी उसमें इतनी अच्छी नहीं मिलती है, पर इसमें आपको स्टेबिलिटी काफी अच्छी मिलेगी। भले इसका देखो वेट अच्छा खासा है, तो माइलेज आपको थोड़ा बहुत ही कम देगी, उसका टायर भी जो पीछे अपने को 120 सेक्शन मिल जाता है, तो अपनी ग्रिप वगैरह भी काफी सी रहती है, तो इन सब मामलों में अपनी गाड़ी काफी अपनी बढ़िया है। और फर्स्ट सर्विस अभी तक करवाई कि नहीं आपने? जैसे 1000 के ऊपर तो करवा ली ना, एक सर्विसिंग करवा ली, तो उसमें कितना क्या खर्चा है? बस कुछ भी नहीं, 300 रुपए ऑयल डाला उसमें बस। यही तो यार, हीरो की बाइक का मेंटेनेंस भी कम रहता है, बस शुरुआत की सर्विस तो फ्री रहेगी बस। अभी 5 सर्विस फ्री रहेगी, और जो अपन को ऊपर से ये कुछ लगवाएंगे सीट कवर और ये तो अलग से चार्ज लगेगा। अभी कुछ आया नहीं ना अपनी गाड़ी, पहली सर्विस मेरी गाड़ी कोई वहाँ पे ऐसा इसलिए मेरी सर्विस। हाँ अभी इसके ज्यादा पार्ट्स जैसे अभी अपनी सिटी में आए नहीं है, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। हीरो की बाइक का देखो यही अपना मेंटेनेंस बढ़िया कम रहता है, और लॉन्ग टर्म में तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपनी रहने वाली है, क्योंकि इंजन भी अपने को अच्छा मिल जाता है। और इंजन ऐसा कुछ ज्यादा हीट करता है क्या? नहीं अभी तक तो नहीं कर, अभी गाड़ी ऐसी चल रही, मजा आ रहा है उसमें अभी क्या गच करेगी, हीट ही नहीं कर रही है अभी। और जैसा कि सेगमेंट में अपने को इसमें फर्स्ट टाइम अपना सिंगल चैनल एबीएस आया है, तो इसकी ब्रेकिंग आपको कैसी लगी? ब्रेक कैसे है? ब्रेक कंट्रोलिंग तो ऐसी है भाई, क्या मजा आ गया। मेरी गाड़ी चल रही थी कम से कम 70 की स्पीड पर, एकदम गाय आ गई आगे,
तो मैंने ब्रेक लगाया तो 25 पर गाड़ी कंट्रोल में हो गई, 25 पर आ गई जैसे, बिल्कुल एक नंबर ब्रेकिंग। ब्रेकिंग तो बहुत जोरदार दे रखी यार। ये बात तो है कि मैंने भी पर्सनल देखो राइड कर रखी है, राइड वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। ब्रेकिंग इसमें बहुत अपने जोरदार दे रखी है। बस ये थोड़ा है कि यार इसमें पीछे अपने ड्रम ब्रेक्स दे रखे हैं, पीछे भी डिस्क रहती है तो बढ़िया रहता है, फिर तो मजा आ जाता है। तो पीछे की बाइट कैसी है ब्रेक की? पीछे में क्या, अपन मैंने एक बार चलाई अपन अपनी यहाँ पे गए थे कंठाल पे, तो वहाँ भी कम 70 की स्पीड पे गाड़ी थी, तो मैंने ऐसे बाहर रहते वहाँ भी, पर दोस्त ने बोला पीछे का लगाया मैंने ब्रेक, तो पीछे का गाड़ी स्लिप काटती, जो आगे का ब्रेक कंट्रोलिंग है बिल्कुल बहुत प्यारी है। हाँ, बाकी पीछे का तो ठीक ठाक है। पीछे का थोड़ा ड्रम से ना तो गाड़ी स्लिप काटती है। भाई आप इसका सस्पेंशन के बारे में बताओ, जैसा कि आपने बताया सिटिंग पोस्चर वगैरह तो बढ़िया है, कम्फर्ट अच्छा है, और सस्पेंशन कैसे बाइक के? सर ठीक है, अभी तो बिल्कुल स्मूथ चल रहे हैं, सर बम्प्स भी नहीं मार रहे हैं। हाँ, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कंफर्टेबल ही रहता है। हाँ, और आगे भी देखो बढ़िया, अपने को 37mm के इसमें अपने टेलीस्कोपिक फोर्स आ जाते हैं, तो बढ़िया आगे के भी अपने अच्छे हैं, ज्यादा आपको ऐसे ढचके अपने इंडर पे फील नहीं होंगे। अभी पीछे बैठे होंगे तो बढ़िया लगे, पीछे तो आनंद आ जाए, जो चलाते हैं जो नहीं, पीछे भी एक नंबर मजा आता है, बस दो जाने घूमो मजा आ जाता है। देखो अपने लिए यंगस्टर्स के लिए तो बढ़िया है, आगे भी बढ़िया कम्फर्टेबल है, पीछे भी देखो सीट थोड़ी सी तो ऊंची है पर स्पेस अच्छी खासी दे रखी है, बहुत अच्छा। और भैया ये बात है कि फैमिली के हिसाब से इतनी कम्फर्टेबल नहीं है जगह, पीछे मम्मी को सिस्टर को बिठाओ, पीछे अगर आपने कभी अपनी मम्मी सिस्टर को बिठाया तो उनका कैसा रहा? तो मम्मी को क्या, उनको मम्मी को बैठाने में मजा नहीं आता, क्यों अब इस मम्मी को गिरने का वो रहता है, अपन छोरे ऐसा तो बैठ सकते। हाँ, यार दोस्ती में चलती हो क्या? हाँ, फैमिली में मजा नहीं आता बस। हाँ, ये बात तो दिक्कत ही नहीं गाड़ी। ये गाड़ी देखो वैसे तो बहुत बढ़िया है, पर इसमें मुझे भी एक कमी सबसे बढ़िया लगती है, जैसा कि हीरो की एक्सट्रीम 160R भी आई थी तो उसमें भी पहले अपनी स्प्लिट सीट आती थी और बाद में अपनी सिंगल सीट दे दी, तो इसमें भी अब बहुत ही जल्दी अपनी सिंगल सीट भी दे देनी चाहिए, क्योंकि तो काफी लोगों को देखो फैमिली के हिसाब से भी बाइक लेनी रहती है। कि और कुछ कमी आपको लगी हो गाड़ी में? कुछ भी नहीं सर, इसके अलावा तो कुछ लगी ही नहीं, एक नंबर गाड़ी बस सब चकाचक। और जैसे नीचे ग्राउंड लेंस जैसे अपने को अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, नीचे से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो 180mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है तो गाड़ी तो कहीं से भी नहीं अड़ेगी। नहीं अड़ती ही नहीं ना, वो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। और इसके फीचर्स के बारे में बताओ, फीचर्स आपको क्या क्या अच्छे लगे इसमें? सबसे अच्छे तो सर मेरे को इसका ये लगे, ये क्या बोलते हैं, हैजार्ड। हाँ, हैजार्ड लाइट आ जाती है, ये लाइट क्या ये है। और सॉन्ग भी बहुत अच्छा है इसका, क्या बाइक का साउंड? हाँ बहुत अच्छा है। हाँ बाइक का साउंड भी बहुत इसका जोरदार है, अभी आपको साउंड वगैरह भी सुनाएंगे। इसमें क्या माइलेज दिखा रहा होगा वैसे? माइलेज में तो अभी नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। पहले मैंने शोरूम देखा था, शोरूम से लाया था, मंदिर मंदिर घूम के आया, फिर देखा था 61 का दिखा रही थी, 61 का इसमें दिखा रही थी, उसके बाद तो दिखाई नहीं पड़ा, मेरा भांजन पता नहीं उसमें उंगली कर दी क्या। और बाकी फीचर्स देखो वही अपने को एलईडी इसमें लाइट मिल जाती, तो लाइट का थ्रो कैसा लगा इसमें रात में? अच्छा है, लाइट डिपर भी अच्छा लगता है, सब लाइट अपर डिपर सब बढ़िया काम करते हैं, अच्छा थ्रो रहता है, फैलता है कि? अरे एक नंबर फैलता है, वो आगे तक देता है, वो तो क्या लाइट जाती है आगे इसकी, लाइट बहुत प्यारी लगी क्या। बात इसमें मुझे और बढ़िया लगती है कि इसमें हमने किक भी मिल जाती है, तो रेडर में तो आजकल किक भी नहीं आ रही है, तो किक भी इसमें दे रखी है, तो ये भी एक इसका अपना प्लस पॉइंट हो जाता है। उसकी गियर शिफ्टिंग कैसी लगी? गियर अटकते हैं कि बढ़िया स्मूथ ही है? सर पहली सर्विस करवाई थी, उसका पहला थोड़ा लग रहा था, बट अब तो बिल्कुल स्मूथ हो गया सब, गियर बढ़िया चल रहा है, सब शिफ्टिंग अच्छी है, और क्लच भी बढ़िया लाइट है, बिल्कुल लाइट है। तो और देखो चलाने में तो एक नंबर गाड़ी है, मजा चलाने मतलब 125cc की भी आप लोगे तो आपको बढ़िया फील आ जाएगा, ऐसा नहीं लगता? सबसे अच्छी गाड़ी जी। हाँ सबसे अच्छी लगी आपको 125cc में? सबसे अच्छी। बाकी देखो ये बात तो है कि यार 125cc में बहुत जोरदार बाइक निकाली यार हीरो ने, काफी टाइम से वेट तो था ही 125cc गाड़ी का और फाइनली अपनी आई चुकी है। बाकी और आपको ये गाड़ी कैसी लगती है कॉमेंट करके आप दूसरे बताना, बढ़िया 125cc के लोगे ना तो आपको ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि यार मैंने हल्की बाइक ली है, एकदम बढ़िया हैवी बाइक वाला फील आपको देगी, अच्छा अपने को माइलेज भी दे देती है चलाने में, मजा आएगा और लुक भी अच्छा है, लुक अच्छा और माइलेज अच्छा, माइलेज चाहिए आजकल चलाने के लिए, ये बात तो है। लॉन्ग टर्म में आपके लिए गाड़ी अपनी काफी अपनी बढ़िया रहने वाली है, और अच्छा इसका नाम अपना बन जाएगा तो फिर आपको बाद में अपनी रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाएगी। तो अपन भैया आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगर अपनी कोई भी गाड़ी लेने का सोचता है तो आप क्या बोलोगे, लेने चाहिए नहीं लेनी? बिल्कुल लेना चाहिए सर, बिल्कुल लेना चाहिए, फैमिली की आएगी दिक्कतें तो गाड़ी एक नंबर है, बाकी एक नंबर है, एक नंबर। किता भैया अपने रमेश भैया का एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच भैया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप जोर से बताना, वीडियो गाइस यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, सब्सक्राइब नहीं करो तो मजा से नहीं आएगा, इसलिए फटाफट चैनल गाइस सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं गाइस इंटरेस्टिंग वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।